नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल प्रतिभा वीडियोस में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कीटनाशकों से कैसे करें ग्रोसरी का बचाव। आज हम इसके घरेलू उपायों के बारे में बात करेंगे, तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। महिलाओं की यह समस्या विशेष तौर पर देखी गई है कि अनाज, दाल, खाद्य पदार्थों को संरक्षित करते समय उसमें कीड़े या घुन लग जाते हैं। इनके उपायों के बारे में आज हम बात करेंगे। बहुत से स्थानों पर इनके संरक्षण हेतु कीटनाशकों का छिड़काव किया जाता है, जो हमें कीटों से तो बचा लेता है, लेकिन इनसे अनाजों में केमिकल की मात्रा बढ़ जाती है, जो कि बेहद नुकसानदेह है। इसलिए आज हम कुछ ऐसे घरेलू उपाय जानेंगे जिससे अनाज भी संरक्षित हो जाए और अनाज में किसी प्रकार का केमिकल का प्रयोग भी ना हो। जिसमें पहला उपाय है नीम की पत्ती। नीम की पत्ती को सुखाकर यदि आप प्रयोग करते हैं तो कीट, घुन, चींटी आदि से बचाव किया जा सकता है। एयर टाइट कंटेनर, आपको खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए एयर टाइट कंटेनर भी काफी मददगार साबित होता है। ऐसा करने से एयर टाइट कंटेनर अपने अंदर हवा नहीं जाने देता, जिससे अनाज को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचता। मिर्च का प्रयोग, यदि आप लाल खड़ी सूखी मिर्च को अपने अनाज में रखते हैं तो यह भी कीटों से आपके अनाज की सुरक्षा करता है। बात करें अगर हम बेसन, दलिया, सूजी जैसी बारीक चीजों की, तो पुदीने की पत्ती इसके लिए सबसे असरदार उपाय है। पुदीने की पत्ती को सुखाकर बेसन, आटा, सूजी आदि में रखने से यह सुरक्षित रहता है। खड़ा नमक, कई स्थानों पर खड़े नमक का भी प्रयोग संरक्षण हेतु किया जाता है। यह दादी नानी के नुस्खों के जमाने का उपाय है, जो कि आज के समय में भी बेहद कारगर साबित होता है। यदि आप अपने अनाज को लंबे समय तक संरक्षित रखना चाहते हैं, तो कोशिश करें उसे सूर्य की तेज धूप में एक बार तो जरूर सुखाएं, क्योंकि ऐसा करने से अनाज की नमी खत्म हो जाती है और कीट लगने का खतरा कम हो जाता है। बात करें अगर हम रखे हुए मैदा, दाल, चावल की, तो ऐसा करने से आप उन्हें पहले एक बार कढ़ाई में हल्का सा रोस्ट कर लें। भुने हुए बेसन, मैदा, सूजी को रखने से भी यह लंबे समय तक टिकते हैं। अगर आपको अपने चावल को या अन्य राशन को लंबे समय तक बचाना है, तो आप उसमें कुछ गोलियां कपूर की डाल दें, यह भी एक कारगर उपाय है। बात करें अगर तेज पत्ता की या फिर किसी और चीज के संरक्षण की, तो उसके लिए लौंग और तेज पत्ता बेहद कारगर होता है। आप चाहे तो चीनी में भी कुछ काली मिर्च की या फिर लौंग की गोलियां डाल दें, तो उससे भी आपकी चीनी और अनाज सुरक्षित रहेंगे। तेज पत्ते के प्रयोग से भी कीटनाशकों से रक्षा की जाती है। हो सके तो सूखे हाथ से ही किसी भी चीज को छुएं। गीले हाथ का प्रयोग करने से भी खाद्यान्न में कीड़े लगने का खतरा बढ़ जाता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।